हेलो बच्चों वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 सिक्स टू क्वेश्चन नंबर हंड्रेड के सॉल्यूशंस फ्रॉम अ चैप्टर मोशन इन प्लेन और यू कैन से सेटिक्स स्टूडी फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीआर एट योर फिंगर टेप्स बाय द पब्लिकेशन एम सो लेट एस्ट स्टार्ट द डिस्कशन क्वेश्चन नंबर सेवनटी सिक्स क्टर एंड एक्सेलेशन वैक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट रहती है इस वजह से टनेंशियल एक्सेलेशन जीरो होता है बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक, सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन होता है विच एक्टर टूवर्ड द सेंटर देयर फॉर विलोसटी एंड एक्सेलेशन आर परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी जीरो बच्चों क्वेश्चन नंबर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज इट्स पोजिशन वैक्टर एंड एक्सेलरेशन वैक्टर अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी ऊपर वाली फिगर में बेटा तो जो पोजीशन वेक्टर होता है पार्टिकल का वो ये होता है आर और जो एक्सलेटिंग वैक्टर होता है वो होता है टूवर्ड द सेंटर तो इसका मतलब पोजिशन वैक्टर जो है वो इस तरफ है अगर तो जो एक्सेलेशन वैक्टर है वो इधर होगा तो दोनों में कितना एंगल होगा बच्चों? 180 डिग्री तो यू कैन से आर इन ओपोजिट डायरेक्शन ओके बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द इनकरेक्ट ये फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट इनकरेक्ट फाइंड करना है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है ओमेगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट डायरेक्शन चेंजिंग तो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी यानी कि स्पीड कांस्टेंट यस हमें क्या फाइंड करनी है इनकरेक्ट पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर यस पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी तो ये भी करेक्ट है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन कीप चेंजिंग एज पार्टिकल मूव यस पहले एक्सेलेशन किधर था यहां तो ये अलोंग रेडियस वेक्टर होगा तो हर पॉइंट पे ये अपनी जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ये हो गया गलत एक्सलेशन की जो मैग्नीट्यूड है दिस इज वी स्क्वायर बाय आर आर इज कांस्टेंट वी इज कांस्टेंट तो मैग्नीट्यूड इज अ कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग सो वी कैन नॉट से एक्सलेशन इज अ अस्टेंट ओके बच्चो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फिर से क्या पूछी गई है बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन वन डायमेंशनल मोशन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम लाइन यस अगर ये वन डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों हमेशा सेम लाइन में होने चाहिए या तो वो ऑपोजिट होगा या फिर वो सेम डायरेक्शन में होगा अगर एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में हो गया तो ये मोशन हमारे पास टू हो जाएगा बिकॉज द नेक्स्ट द बॉडी विल चेंज इट्स डायरेक्शन तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों इन टू और थ्री डायमेंशनल मोशन द एंगल बिटवीन वेलॉसिटी एंड एक्सेलेशन वैक्टर मे हैव एनी वैल्यू ऑफ जीरोस टू डिग्री यस टू और थ्री डी मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी है और एक्सेलेशन है इनके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है बट जीरो और वन एट्टी नहीं होगा अगर जीरो हो गया एट्टी डिग्री हो गया तो वो वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा बिटवीन जीरो कुछ भी हो सकता है बट नॉट जीरो अगर ऐसा हुआ तो ये क्या बन जाएगा वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा ओके काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेशन कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैं ये कह सकता हूं कि भाई डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं काइनामेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेशन कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर ओ हो हो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन में ए नॉन ज़ीरो होता है तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं की जा सकती तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेशन होता है बट एंगुलर एक्सेलेशन जीरो होता है वो सिर्फ सेंट्रीबल एक्सेलेशन बचता है तो ये गलत हो जाएगा बच्चों रिजल्टेंट रिजल्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज टूवर्ड सेंटर ओनली इफ स्पीड इज कॉन्स्टेंट बिल्कुल सही सर्कुलर मोशन में अगर हमारे पास स्पीड कॉन्स्टेंट है टेंजेंशियल एक्सेलेशन जीरो हो जाएगा तो नेट एक्सेलेशन टूवर्ड सेंटर होगा अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन आ सकता है बेटा किसी भी डायरेक्शन में तो नेट एक्सेलरेशन किसी एंगल पे होगा तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए इसका सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं वैसे आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा ये नहीं कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए अगर हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं बट बेटा एट द सेम टाइम वी नीड यूर हेल्प वी नीड यूर हेल्प प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स ओके क्वेश्चन नंबर एटी क्वेश्चन नंबर एट्टी क्या कहता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड भी वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर इट covered? देखिए बेटा अगर इस पार्टिकल ने 60 डिग्री जो है कवर कर लिया है तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट पूछा है लीनियर क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या है बेटा ऑप्शन में क्या है आर तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ये इनिशियल वेक्टर है ये हमारे पास फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल होता है टू ए साइन 2 तो ये हमारे पास कितना बचेगा बच्चों आर ही बचेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या बचता है आर तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जो आपको याद होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लिखते हैं ए माइनस बी अगर ए इक्वल टू बी हो तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारे पास होता है टू ए साइन तो वो फॉर्मूला आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा सकते हैं बच्चों मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी वन क्या कह रहा है अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ओ ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस वन किलोमीटर रीचेज द एच पी पहले वो ऐसे गया बेटा ऑफ द पार्क देन साइकिल अलोंग दर्कमेंस टू क्यू इस तरीके से रिटर्न थ्रू क्यू ओके वेरी गुड इफ द राउंड ट्रिप टेक्स टेन मिनट टाइम दे दिया है टेन मिनट बेटा द नेट डिस्प्लेसमेंट एट एवरेज स्पीड नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि वो जिस पॉइंट से चला था उसी पे वापिस आ गया है स्पीड के लिए एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस क्या होगा पहले ये आर रेडियस के अलॉन्ग मूव किया फिर सर्कम के अलॉन्ग मूव किया और फिर आर रेडियस ये डिस्टेंस है टाइम कितना है टेन मिनट अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्पीड है वो किसमें लेके आनी है किलोमीटर पर आर में ये तो किलोमीटर में ही था इसको आर्स में कन्वर्ट कर दीजिए बेटा तो ऊपर हो गया है टू आर प्लस पाई बाई टू आर डिवाइड बाई नीचे ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों आप इसको टेन मिनट को आर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो गया वन बाय सिक्स आर्स तो ऊपर ये सिक्स ऊपर क्या हो जाएगा टू रेडियस कितना था बच्चों वन किलोमीटर तो ये हो गया टू प्लस पाई बाय टू हो गया है अगर आप ध्यान से देखें तो ये थ्री फोर प्लस अब अगर हम देखें थ्री फोर प्लस थ्री पॉइंट वन फोर तो थ्री इंटू सेवन पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई कर दीजिए ट्वेंटी वन पॉइंट फोर टू किलोमीटर पर आवर दिस विल बी द एवरेज स्पीड ओके बच्चों दिस इज द एवरेज स्पीड तो दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट जीरो एवरेज स्पीड इज ट्वेंटी वन पॉइंट फोर टू क्वेश्चन नंबर 82 बच्चों क्वेश्चन नंबर 82 हमें क्या कह रहा है ध्यान से देखिए अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड दिस एज सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस अगर आप देखिए स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर और जो रेडियस है 80 मीटर दैट मींस वी नीड टू कन्वर्ट इंट इन मीटर पर सेकेंड हाउ बाय मल्टीप्लाइंग फाइव बाई एटेन मीटर पर सेकेंड हो गया है नाइन पे जाएगा थ्री टू सो दिस इज गोइंग टू बी फिफ्टीन बाई टू मीटर पर सेकेंड ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूस हिज स्पीड एट द रेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड दैट मीन दिस इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0.5 द नेट एक्सेलेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन क्या होगा बच्चों वी स्क्वायर बाय आर फिफ्टीन बाय टू का स्क्वायर डिवाइड बाय 80 तो ये हो जाएगा 225 ट्वेंटी फाइव बाय फोर इंटू एटी अब अगर आप इसे थोड़ी सी ध्यान से सॉल्व करें तो ये किसके बराबर बन जाएगा वो हमें यहां पर देखना है बेटा क्या होगा ये आप लिख सकते हैं अगर आप इसे कट करें तो फाइव पे कट कर सकते हैं फोर फाइव ये हो जाएगा सिक्सटीन ओके okay? अब अगर हम देखें तो ये नियरली हो गया है इलेवन पॉइंट वन अब अगर हम देखें इसको थोड़ा फर्दर कट करने की कोशिश करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आना चाहिए जीरो पॉइंट सेवन के आसपास आ जाना चाहिए अब अगर ऐसा है तो नेट एक्स क्या होता है बच्चों ए सी प्लस ए टी ये दोनों नॉर्मल होते हैं तो रिजल्टेंट होता है ए सी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो उल्टा लिख दिया है मैंने कोई बात नहीं तो ये हमारे पास किसके बराबर आने वाला है जीरो पॉइंट एट सिक्स ये है जीरो पॉइंट सेवन फोर के आसपास तो ये हमारे पास थोड़ा सा आप यहां पर कह सकते हैं वैल्यूज उतनी अच्छी नहीं है कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाए But approximately, you can solve by looking at the values. Okay, bachow. Next question. Eighty-three. A stone tied to the end of string, hundred centimeter long, is whirled in a horizontal circle with a constant speed. With a constant speed, if the stone makes fourteen revolution in this, the acceleration of the stone. Oh my God. एक्सेलेशन क्योंकि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो तो सिर्फ होगा विच इज उमेगा उमेगा इज 14 रेवोल्यूशन इन ट्वेंटी टू सेकेंड तो ये आ गया पर सेकेंड वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड पाई रेडियन पाई को क्या लिखा जा सकता है

हंड्रेड सेंटीमीटर मीन वन मीटर तो दिस इज गोइंग टू बी सिक्सटीन बिकॉज दिस इज वन मीटर तो सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्या आना चाहिए बच्चों एक्सेलरेशन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 84। क्या कहता है बच्चों ये क्वेश्चन ये कहते हैं साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस वन किलोमीटर एंड मूव अलोंग द पाथ इस पाथ के अलॉन्ग जाता है ही मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड व्हाट इज इट्स एक्सेलेशन एट आर इस पॉइंट पे क्या कांस्टेंट है स्पीड पोटेंशियल एक्सेलेशन जीरोक्सेलेशन विल बी ओनली सेंट्रिपिटल विच इज़ वी स्क्वायर बाय आर टेन स्क्वायर डिवाइड बाय आर आर इज वन किलोमीटर फोर इट बिकम्स हंड्रेड बाय थाउजेंड यू कैन राइट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये आंसर आएगा पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव एंड इंसेक्ट ट्रैप इन ए सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस ट्वेल्व सेंटीमीटर मूव अलॉन्ग द ग्रूके स्टेडली कंप्लीट सेवन रेवल्यूशन इन हंड्रेड सेकेंड लीनियस फील सेवन रेवोल्यूशन इन हंड्रेड सेकंड इट गिवस ओमेगा क्या हो जाएगा सेवन रेवल्यूशन हंड्रेड सेकंड में तो एक सेकेंड में सेवन बाय हंड्रेड रेवल्यूशन पर सेकेंड वन रेवल्यूशन

एज ट्वेल्व और ऑप्शन अगर आप ऑप्शन को देखें तो दीज आर इन सेंटीमीटर तो वी विल कीप रेडियस इन सेंटीमीटर ओनली दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों दिस इज फाइव पॉइंट टू एट सेंटीमीटर पर सेकेंड सो यू कैन ईजिली मार्केटाइज बी ऑप्शन ओके आई होप कि ये आपको समझ में आ रहे हो बेटा सभी क्वेश्चन तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट योर मैक्सिमम फ्रेंड्स ओके डोट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स क्या कहता है बच्चों ध्यान से देखिए मैग्निट्यूड ऑफ चेंज इनोसिटी डायरेक्टली हमसे पूछी गई है ध्यान से देखेंगे अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड दिस यूनिफॉर्म स्पीड सर्कुलर पाथ वेन दार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू क्यू ऑन अ सर्कल सच दैट ये पी टू क्यू यहां से यहां चला गया है यह हमारे पास थीटा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल अगर ये यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v थी यहां पर फाइनल वेलोसिटी v है अगर ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों तो इसका मतलब इन दोनों वेलोसिटीज में भी एंगल कितना होगा इन दोनों वेलोसिटीज में एंगल कितना होगा ये वी आई ये वी एफ इन दोनों में भी थीटा एंगल होगा बेटा अब क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है ये होता है टू वी साइन इन दोनों के बीच का एंगल डिवाइड बाय टू ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का इससे पहले भी इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लग सकता है टू आर साइन थीटा बाई टू चेंज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के लिए भी ये लग सकता है बच्चों, बच्चों देखिए, तो मैं को अक्सर ऐसे बताता हूं रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ड्रॉ कर लीजिए बेटा दिस इज थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग टाइम विद स्पीड दिस ईस्ट टू वेस्ट इस तरफ ये विंड हो गई है ये हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट विंड हो गई है 12 मीटर पर सेकंड एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल शुड द बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा विंड नेट वेलोसिटी रेन की क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्योंकि ये विंड भी इस रेन ड्रॉप को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा तो दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप तो किधर होगी बेटा वर्टिकल के साथ एंगल अगर यहां पर एक लड़का खड़ा है तो उसे जो अम्ब्रेला है वो किस तरफ फोल्ड करनी पड़ेगी अम्ब्रेला ही शुड होल्ड इज अम्ब्रेला इन डायरेक्शन दिस किस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा वर्टिकल अब आप इसे ट्वेल्व को यहां पर डिस्प्लेस कर दीजिए बेटा तो टेन थीटा बिकम्स इक्वल टू ट्वेल्व बाय थर्टी फाइव आप इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन इन 12 ट्वेल्व बाय थर्टी फाइव बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बेटा बात क्वेश्चन नंबर एटी एट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है ध्यान से देखिए बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर मैग्नीट्यूड तो होती स्केलर है करेक्ट है, हो गया हमें फॉल्स ढूंढनी है कंपोनेंट ऑफ़ वेक्टर इज ऑलवेज़ अ अ स्केलर कंपोनेंट ऑफ़ वेक्टर कैन बी वेक्टर तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड स्केलर होती है कंपोनेंट इज अ वेक्टर टू जीरो यस अगर हमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो कम से कम तीन चाहिए होंगे कितने चाहिए होंगे बेटा कम कम से कम तीन अगर दो हैं तो दो का रिजल्टेंट तभी जीरो आ सकता है जब ये एक दूसरे के एक्ट कर रहे हो हो अगर मैग्नीट्यूड अलग गई तो दे कैन नॉट गिव जीरो रिजल्टेंट तो ये करेक्ट हो गया है बेटा वैक्टर ऑब ए एडिशन यस बेटा तो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है बी बिकॉज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर वो हमारे पास प्रोजेक्शन होती है जब मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर होता है जो हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं ए कैप डॉट बी वैक्टर या फिर ए वैक्टर डॉट बी कैप वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वैक्टर अलॉन्ग अनदर वैक्टर ओके बच्चो क्लियर है चलिए नेक्स्ट एटी नाइन एटी नाइन क्या कहता है एटी नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गौर से देखिए बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करने वाले हैं बट आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा क्या कहता है ड्राइवर ऑफ कार मूविंग टूअर्ड अ रॉकेट लॉन्चिंग पैड विद स्पीड सिक्स मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व द रॉकेट इज मूविंग विद स्पीड दिस तो क्या कहता है ड्राइवर ऑफ कार मूविंग टूअर्ड अ रॉकेट लॉन्चिंग पैड विद स्पीड दिस कार की स्पीड कितनी है बच्चों सिक्स मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल ही होगी ऑब्जर्व क्या है ऑब्जर्व द रॉकेट इज मूविंग विद स्पीड दिस मीटर पर सेकेंड इसने ऑब्जर्व किया जो रॉकेट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू कार वो है टेन मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन नहीं दी उसने क्या दिया है ऑब्जर्व दैट द रॉकेट इज मूविंग विद स्पीड कार वाले बंदे ने ऑब्जर्व किया है कि रॉकेट की स्पीड कितनी है अपवर्ड स्पीड ऑफ रॉकेट एज सीन बाई द स्टेशनरी ऑब्जर्वर अब यह कह दिया है स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रॉकेट किधर जाता है अपवर्ड किधर जाता है अपवर्ड मैंने अपवर्ड डायरेक्शन जे ले लिया आपके भी लिख सकते हैं तो वी आर सी क्या होता है बच्चों VRC क्या होता है वी आर माइनस वी सी ये हो जाएगा टेन इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी टेन सॉरी तो ये किसके बराबर है वी आर जे माइनस सिक्स आई तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बच्चों मैग्नीट्यूड हो जाएगी वी आर का स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर तो वी आर सी वी आर सी कितना है वी आर सी है हमारे पास टेन मैग्नीट्यूड कितनी है बच्चों? टेन और वी आर की मैग्निट्यूड हमें फाइंड करनी है ये सिक्स है स्क्वायर कर दीजिए हंड्रेड वी आर स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स यह आएगा सिक्सटी फोर वी आर स्क्वायर तो वी आर स्पीड ऑफ रॉकेट क्या आएगी एट मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों सी ऑप्शन और बुक में जो आंसर गिवन है बेटा वो डी है दिस इज द रॉन्ग आंसर तो बुक में आप करेक्ट कर सकते हैं मैंने एम वालों को भी इस क्वेश्चन का जो करेक्शन है वो पोस्ट कर दिया है ईमेल कर दिया है तो आप अपनी बुक में ये करेक्शन कर सकते हैं आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी बच्चों। क्वेश्चन नंबर नाइन्टी क्या कहता है रिवर इज फ्लोइंग डूस्ट विद स्पीड थ्री मीटर पर सेकेंड रिवर इस तरह फ्लो कर रही है थ्री मीटर पर सेकेंड स्विमर कैन स्विम ओके ये स्विमर वाला क्वेश्चन है तो इस तरीके से आप रिवर ड्रॉ कर सकते हैं अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल दैट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आपको कितनी गिवन है फोर मीटर पर सेकेंड स्पीड ये इतनी है इफ द स्विमर स्टार्ट स्विमिंग ड्यू नॉर्थ नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर देता है स्विमर ने इस तरफ चलना शुरू किया बेटा दिस इज द डायरेक्शन इन विच ही स्विम्स रिवर की डायरेक्शन किधर है इधर तो वो फाइनली इस तरफ जाएगा बेटा दिस इज द रिजल्टेंट वेलॉसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ द स्विमर रिजल्टिटी जो होती है वो इन दोनों का वैक्टरसम होती है बेटा क्योंकि वी एम डब्ल्यू ये होता है वी एम माइनस वी डब्ल्यू तो वी एम हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों इन दोनों का वैक्टरसम इन दोनों का वेक्टर वैक्टर्स तो ये कितना है ये वीडब्ल्यू भी लिख सकते हैं आप तो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आप इन दोनों का क्या कर सकते हैं फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर ब्यूटीफुली कैन बी एज फाइव मीटर पर सेकेंड ओके मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन इफ यूनिट वेक्टर ए बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा ए माइनस बी किसके बराबर होगा वैसे तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है बेटा तो हमें पता है सब किसके बराबर होती है टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर इंटू साइन ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं पूरा तो आप कैसे कर सकते हैं मैग्नीट्यूड होती है बेटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा तो ये हमारे पास क्या बना वन टू कॉमन ले लेंगे वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस को क्या लिखा जा सकता है टू साइन स्क्वायर बाय टू तो ये क्या आ जाता है टू साइन बाय टू ये हमने एक मैथ की आइडेंटिटी यूज की है वन प्लस कॉस्थीटा होता है टू कॉस्वायर थीटा बाय टू वन माइनस कॉस्टा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू तो ये हमारे पास क्या हो गया है बच्चो इसका आंसर हो गया है नाइनटी वन का फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो देखते हैं एक बी दो ए तो लिखते हैं बी स्क्वायर ए क्रॉस का साइन डॉट का कॉस कह देते हैं ये आंसर बट ये गलत है बच्चों. ये आंसर गलत है क्यों यहां पर एक और नॉलेज यूज होती है b डॉट a को मैं यहां लिख लेता हूं c वेक्टर मैंने क्या लिख लिया है b क्रॉस a को लिख दिया एक c वेक्टर जब हम b क्रॉस a को एक नया वेक्टर लिखते हैं तो इसकी खास बात होती है c इज परपेंडिकुलर टू A C इज परपेंडिकुलर टू B तो अब अगर हमने b क्रॉस a को लिख दिया है c तो डॉट a करेंगे तो c इसके परपेंडिकुलर है a के तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो बिकॉज इज परपेंडिकुलर टू ए सो डॉट प्रोडक्ट इज अं पर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा इज परपेंडिकुलर टू ए परुलर टू बी आल्सो दिस इज परुलर टू ए प्लस बी आल्सो दिस इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी बच्चो बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी ए बी ऑल लाई इन सेम प्लेन एंड दिस ए क्रॉस बी इज पर पेंडिकुलर टू दिस प्लेन ओके तो अगर हमें यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी पूछ लेता तो वो भी जीरो हो जाता बच्चों क्लियर है क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री क्या कहता है ध्यान से देखिए बच्चो मोटरबोट इज रेसिंग टू वर्ड नॉर्थ विथ दिस मोटरबोट की स्पीड किस तरफ है बच्चो मोटरबोट की स्पीड है 25 मैं नॉर्थ को क्या लिख रहा हूं जेक है एंड द वॉटर करंट इन दिस रीजन इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ वॉटर की वेलोसिटी किधर है अब मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है बेटा बताइए ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब होता है 60 डिग्री ईस्ट की तरफ साउथ के साथ तो ये है वाटर करंट और ये मोटरबोट किस तरफ जा रही थी बेटा मोटरबोट जो है ये जा रही थी नॉर्थ की तरफ 25 से तो ये अगर आप देखें तो ये कितनी है 10 तो मैं इसके कंपोनेंट ले सकता हूं बच्चों इधर कंपोनेंट क्या आएगा 10 साइन 60 और इधर कंपोनेंट क्या आएगा 10 कॉस 60 तो आप लिख सकते हैं 10 साइन 60 को क्या लिखा जा सकता है फाइव रूट थ्री क्योंकि साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री बाई टू फाइव रूट थ्री आई कैप माइनस इसे क्या लिखा जा सकता है कैप दिस इज़ हमने देखा ऑफ वाटर तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होती है इन दोनों का वेक्टर सम इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो जो आई है वो तो सिंगल था तो यही रह गया फाइव रूट थ्री आई जे वाला जो कंपोनेंट था ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव दिस बिकम्स ट्वेंटी जे बन जाता है बच्चों तो स्पीड क्या हो जाएगी आप लिख सकते हैं फाइव रूट थ्री का स्क्वायर सेवनटी फाइव ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड तो दिस इज गोइंग टू तो बी सेवन फोर सेवनटी फाइव रूट फोर सेवनटी फाइव इज वेरी क्लोज टू ट्वेंटी टू मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली तो क्या आंसर आना चाहिए बच्चों 22 किलोमीटर पर आर सॉरी आर ओके बच्चों तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बच्चों तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा क्वेश्चन नंबर नाइंटी फोर क्या कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फोर्मड बाय अरजस साइड एरिया ऑफ पैरलोग्राम होता है एक क्रॉस बी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों ये होता है हाफ ए क्रॉस बी तो हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं ए क्रॉस बी कैसे करते हैं पहले आप लिख लेते हैं आई जे के। ओके फिर सबसे पहले ए के जो एलिमेंट है पहले वेक्टर के एलिमेंट माइनस थ्री टू माइनस फोर फिर बी के माइनस वन टू वन तो यहां पर आई कैप क्या होगा बच्चों अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया है तो इन दोनों का आपको टू के साथ टू माइनस माइनस एट बेटा फिर इसके साथ फिर माइनस जे अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आपको यह छोड़ देना है तो क्या होगा माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री माइनस माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर तो ये हो जाएगा यह हमारे पास है फिर आएगा प्लस के के अगर हमने छोड़ दिया तो ये छोड़ दिए हैं बेटा माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स माइनस वन इंटू माइनस टू माइनस टू तो ये बनेगा तो ये कितना बन रहा है बच्चों टेन आई कैप सेवन जे कैप और ये बन गया माइनस फोर के कैप अब अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी आप लिख सकते हैं टेन का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी रूट वन सिक्सटी फाइव ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज गोइंग टू बी वन बाई टू ए क्रॉस बी तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा रूट वन सिक्सटी फाइव बाई टू तो दिस इज गोइंग टू बी एप्शन बच्चो ओके okay? सिंपली आपको क्या करना था ए क्रॉस बी करना था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स आपको यहां पर करना था उम्मीद है यह आपने कर लिया होगा और यह समझ में भी आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन बॉडी मूव्स नाइन मीटर टूवर्ड नॉर्थ एट मीटर टूवर्ड ईस्ट टेन मीटर वर्टिकली अपवर्ड द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखिए बेटा सिक्स मीटर टूवर्ड नॉर्थ एट मीटर टूवर्ड ईस्ट एंड टेन मीटर वर्टिकली अपवर्ड तो बच्चों अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट लिखूं तो वो क्या होगा सिक्स जे एट आई प्लस टेन वोटिकली अपर्ड को लिख सकते हैं के तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या आएगी सिक्स का स्क्वायर एट का स्क्वायर टेन का स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी रूट टू हंड्रेड टेन रूट टू मीटर क्या होगी बेटा टेन रूट टू मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्लियर है उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बेटा बात ंग टूर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स बच्चों क्या कहता है ये क्वेश्चन देखिए जरा अ मैन वॉन्ट टू रीच फ्रॉम ए टू द ओपोजिट कॉर्नर सी द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर हंड्रेड मीटर रीच सेंट्रल स्क्वायर इज फिल्ड विद सैंड आउटसाइड द स्क्वायर ही कैन वॉक विद स्पीड दिस ध्यान से देखिए आउटसाइड द स्क्वायर

अगर वो ऐसे सीधा जाए तो हमें वी की वैल्यू निकालनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू सच दैट रीच फास्टर बाय एनी अदर पाथ ओके तो इस पाथ से इस पाथ से अगर वो जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा बेटा अगर आप ध्यान से देखें ये वाली लेंथ कितनी होगी हंड्रेड रूट टू और ये जो सैंड में चलता है ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सैंड वाली फिफ्टी रूट टू तो इसका मतलब जो उसको स्ट्रेट पाथ में टाइम लगेगा जो उसको स्ट्रेट पाथ में टाइम लगेगा वो होगा हंड्रेड रूट टू माइनस फिफ्टी रूट टू ये वाला टाइम तो वो कितनी स्पीड से गया है बेटा टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड ये तो वो गया है वन मीटर पर सेकंड से आउटसाइड दिस सैंड रीजन वो कितने से मूव कर सकता है वन से ये जो अंदर वाला फिफ्टी रूट टू है ये वो ट्रेवल करता है स्पीड से तो ये बच गया फिफ्टी रूट टू प्लस फिफ्टी रूट टू बा समझ में आया बेटा ए टू सी वो जो डायरेक्ट पाथ से जाता है जो बाहर वाली लेंथ है टोटल कितनी थी हंड्रेड रूट टू ये वाली कितनी थी फिफ्टी रूट टू तो ये बाहर वाली लेंथ तो वो एक मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगा ये जो इसके अंदर वाली लेंथ है इट ट्रेवल्स विद फिफ्टी रूट टू तो वो वी स्पीड से ट्रेवल करेगा तो ये वाला टाइम हो गया अब ये जो टाइम है इट शुड बी स्मॉलर देन एनी टाइम टेकन बाय दिस मैन वाइल मूविंग थ्रू आउटर रीजन ओनली जब वो आउटर रीजन से जाएगा तो उसको कितना टाइम इसमें लगना है मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं थोड़ा सा इसमें चीजें ड्रॉ करने के लिए यहां पर ध्यान से देखेंगे सॉरी बच्चों हाँ ध्यान से देखेंगे इसे थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ कर लेते अब अगर आप देखें इसने वैसे तो डायग्राम में शो करके दे दिया बट हमें ये खुद से सोचना था ये वाला पाथ अब इसको अगर सैंड से, में एंटर नहीं करना है बाहर से जाना चाहता है तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा ये वाला दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ यहां से वो यहां जाएगा डायगनली फिर यहां जाएगा दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बाई विच ई कैन अवॉयड दिस सैंड अगर वो इस पाथ से जाएगा तो इस पाथ की लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी इस पाथ की लेंथ क्या होगी बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो साइड होगी ये टोटल कितनी थी 100, ये 50, तो ये 25, तो ये भी कितनी होगी 25. अब ये 25 है ये 50 है तो ये हो गया 75, ये पच्चीस तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो ये एस कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर यू कैन राइट ट्वेंटी फाइव रूट 5, क्योंकि यहां से 25 बाहर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 ये हो गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा टू टाइम्स एस विच इज इक्वल टू फिफ्टी तो इसमें टाइम कितना लगेगा बेटा इसमें टाइम कितना लगेगा इसमें लगेगा फिफ्टी रूट फाइव डिवाइड बाय इसमें आउटसाइड द सैंड ही मूव्स विद स्पीड मीटर पर सेकेंड तो दिस इज द टाइम अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो टाइम ए सी है ये इससे छोटा होना चाहिए तो हम लिख सकते हैं बेटा फिफ्टी रूट टू प्लस फिफ्टी रूट टू बाय V less than फिफ्टी root फाइव less than equal to भी लिख सकते हैं कि भाई इससे कम भी हो सकता है तो 50 कॉमन लेके कट जाएगा क्या बचा रूट टू प्लस रूट टू बाई वी लेस देन इक्वल टू रूट फाइव अब हमें इसे सॉल्व करना था बेटा अब आपको इसे सॉल्व करना था यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ है हाँ देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है बेटा यहां 75 था सॉरी यहां पर क्या था बच्चों ये वाला कितना था 75 फाइव तो ये अंदर क्या आना था टेन ये क्या आना था टेन ये करेक्शन कर देते हैं फटाफट से करेक्शन कर लेंगे बेटा यहाँ टेन 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 अरे ये तो रिंग टोन जैसा हो गया टन 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 ये है टेन ये भी टेन अब आपको इसे सॉल्व करना है अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा रूट टू बाई वी लेस देन इक्वल टू रूट टेन माइनस रूट टू फिर v हमारे पास क्या बचेगा शुड बी ग्रेटर देन रूट टू बाय टेन माइनस रूट टू तो ये हमारे पास v की मिनिमम वैल्यू है v की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी रूट टू डिवाइड बाय रूट टेन माइनस रूट टू रूट टू आप इसमें से कट कर सकते हैं बचेगा रूट फाइव माइनस वन रूट फाइव इज अप्रोक्सीमेटली अगर आप चाहें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं टू पॉइंट टू से थोड़ा सा बड़ा होगा 2.2 से हल्का सा बड़ा कर सकते हैं माइनस वन तो ये जो हमारे पास नियरली आता है ये आता है जीरो पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड के आसपास आता है बेटा तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए था जीरो पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड के आसपास आंसर बन जाना चाहिए ओके बच्चों तो उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी अगर आई है आपको वीडियो अच्छी लगी है आप पहले भी वीडियो देखते रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा हमारी सपोर्ट करें छोटी सी सपोर्ट हमें आपकी तरफ से चाहिए कि आप इन वीडियोस को लाइक करें अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा ओके मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को क्या कहता है अ मैन मैन कैन स्विम विद विद स्पीड दिस दिस इन स्टिल वाटर वाटर इज द वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू कितनी दी है फोर किलोमीटर पर आर ही क्रॉसेज अर रिवर दैट फ्लो स्टेडली वन किलोमीटर वाइड रिवर है बच्चों वन किलोमीटर वाइड रिवर है वन किलोमीटर वाइड और रिवर जो फ्लो कर रही है विद थ्री किलोमीटर पर आर से फ्लो कर रही है इफ ही मेक्स स्ट्रोक नॉर्मल जो बंदा है जो स्विमर है वो अपने स्ट्रोक नॉर्मल रखता है हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो वेन ही रीचेस टू द अदर बैंक कितनी दूर जाके निकलेगा जब वो दूसरे बैंक पर पहुंचता है ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है तो क्या होता है बच्चों टाइम कितना लगेगा टाइम लगेगा डिस्टेंस y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है वन किलोमीटर वेलोसिटी कितनी है फोर तो आप ये लिख सकते हैं डिस्टेंस इन y डायरेक्शन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वन किलोमीटर बाय फोर तो ये आएगा one by four अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये कौन सी हो गई है हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों डी स्पीड कितनी है थ्री टाइम कितना है वन बाय फोर तो दिस इज थ्री बाय फोर किलोमीटर कितना नीचे पहुंच जाएगा कितना रिवर के लॉन्ग ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग आउट 750 मीटर थ्री बाय फोर किलोमीटर तो ये क्या आएगा बच्चों 750 मीटर ओके मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट से लाइक कर दीजिए बेटा वीडियो को एंड एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट एट हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड एंगल सबटेंड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन इज 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री देन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखिए बेटा एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट हाइट ये हमारे पास एयरक्राफ्ट है ये कितनी स्पीड हाइट पे फ्लाई कर रहा है 3400 मीटर ग्राउंड इफ द एंगल सब्टेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजिशन टेन सेकेंड अपार्ट टेन सेकेंड अपार्ट अगर आप कोई पोजिशन देखते हैं कहता एयरक्राफ्ट की दो पोजिशन देखी गई है कुछ इस तरीके से ये कह रहा है बेटा एयरक्राफ्ट की दो पोजिशन देखी गई है ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वेशन प्वाइंट है ये ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसने एयरक्राफ्ट की दो पोजीशन देखी जिनके बीच में टाइम गैप कितना था टेन सेकेंड का जिनके बीच में टाइम गैप कितना था बच्चों टेन सेकेंड का ये जो एंगल आया है ये कितना आया है थर्टी डिग्री तो हमें स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बतानी तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा स्पीड इन टाइम तो ये हो गया टेन भी टेन थर्टी इज सिंपली इक्वल टू 10 v by 3400. 10 30 होता है अप्रोक्सीमेटली तो, 3. 3 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट कहा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 200 के एप्रोक्सीमेट क्या है बच्चों यह है 196.3 पर s इज अ क्लोजेस्ट टू 200 ओके मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बच्चों फटाफट से लाइक like कर दीजिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड दिस एक हमारे पास फाइटर प्लेन है बेटा आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं है ना ये हो गया फाइटर प्लेन अरे वाह है ना तो कितनी हाइट पे बच्चों दिस इज एट वन पॉइंट फाइव किलोमीटर विद स्पीड सेवन ट्वेंटी किलोमीटर पर आर इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए टू हंड्रेड मीटर पर सेकंड 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई करने के बाद पासिस डायरेक्टली ओवर है ओवर हेड एन एंटी क्राफ्ट गन यहां एक एंटी क्राफ्ट गन लगी हुई थी एट वट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल द गन शुड बी फायर वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे ये गन फायर की जानी चाहिए विद मजल स्पीड ऑफ सिक्स हंड्रेड मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन अगर आप ध्यान से देखें यह प्लेन होरिजोनटली जा रहा था बेटा ये जो एंटी क्राफ्ट गन है ये इस तरीके से जाएगी ऐसे स्ट्रेट का कितने एंगल पे आप इसे हिट करेंगे सच दैट ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाए तो दोनों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया है वो सेम होगा बेटा तो अब अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों मिल गए हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ जो एंटी क्राफ्ट गन है वो हो जाएगी 600 हंड्रेड साइन ये किसके बराबर होनी चाहिए प्लेन की वेलोसिटी के बराबर तभी दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं होरिजोनली इन सेम टाइम तो बस इतना सा ये क्वेश्चन था तो यहां थर्टी डिग्री तो है ही नहीं था साइन क्या था वही तो हमें फाइन करना था तो साइन थीटा क्या होगा वीपी प्लेन की स्पीड है 200 और एंटी क्राफ्ट गन है 600 तो ये हमारे पास 1 बाय थ्री तो साइन थीटा थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स वन बाय थ्री थीटा आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स वन बाय थ्री क्लियर है बेटा तो ये एक बहुत ही सिंपल छोटा क्वेश्चन था बस स्टेटमेंट समझने में सम टाइम बच्चे गलती कर देते हैं तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस डिस्कशन जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट डिस्कशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटनस लॉज ऑफ मोशन के एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन ओके बच्चों तो इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ बिल्डिंग टू बॉल्स आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड बी इज थ्रोन डाउनवर्ड विद सेम स्पीड बोथ वर्टिकली वी ए वी बी आर द रिस्पेक्टिव रीचिंग द ग्राउंड हम सबको मालूम है ध्यान से देखिए एक बॉल को ऊपर फेंका गया है ये ऐसे घूम के नीचे आएगी बेटा एक बॉल को नीचे फेंका गया है एक बॉल को, 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 को नीचे फेंका गया है विद the सेम स्पीड यू से फेंका था यू से अब नीचे फेंक दिया तो ये कितनी स्पीड पे पहुंचेगी पहले तो अगर मैं थ्रेटिकली बताऊं तो भाई जब ये बॉल ऊपर गई वापस आएगी तो जब ये वापस आएगी तो ये यू स्पीड से ही वापस आती, है। तो ये वाला मोशन और ये वाला मोशन दोनों आइडेंटिकल हो गए इसके बाद ये भी यू स्पीड से नीचे जाएगी ये भी यू स्पीड से नीचे जाएगी ये भी सेम हाइट ये भी सेम हाइट तो दोनों की फाइनल स्पीड क्या होगी बच्चों बराबर होगी अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस वी ए निकालना है किस तरफ आएगा नीचे की तरफ फाइनल इनिशियल किधर फेंका था ऊपर की तरफ, तरफ. एक्सेलेशन किधर है माइनस जी डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल है ये फाइनल है तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है नीचे की तरफ तो वी ए कितना आएगा बच्चों यू स्क्वायर प्लस टू जी एच इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो वी बी नीचे की तरफ है यू बी किधर था नीचे की तरफ एक्सलेन भी किधर था नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ तो वी बी कितना प्लस टू जी एच तो दोनों की जो स्पीड है जब वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे वो क्या होती है सेम और ये एक रिजल्ट के तौर पे भी आपको बताया जाता है ये तो हमने वर्टिकल फेंका बेटा अगर आप होरिजोनली फें आप किसी एंगल पे फेंकें। अगर आप यू स्पीड से फेंकेंगे तो वो ग्राउंड पे सेम स्पीड से ही पहुंचेगा तो उन सबकी स्पीड क्या होगी ग्राउंड पे सेम तो इसके साथ हमारी ये डिस्कशन खत्म होती है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स टू क्वेश्चन नंबर हंड्रेड के सोल्यूशन हमने इस वीडियो में देखे फ्रॉम अ चैप्टर मोशन इन प्लेन काइनामेटिक्स टू डी फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एम टी जी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एम टी जी एनसीआरटी एड यूर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एम टी जी थैंक यू बच्चों थैंक यू जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब